सिंहगढ़। नाम सुनते ही हमें याद आती है सरदार तानाजी मालुसरे और वो लड़ाई। सिंहगढ़ किले को पहले कुंडाना के नाम से भी जाना जाता था। एक किला पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले तक आने के लिए आपको नीचे ढूंढे गाँव से प्राइवेट व्हीकल्स अवेलेबल हैं और आप अपने खुद के भी कार या बाइक से आ सकते हैं। जैसे ही हम किले के पार्किंग से आगे जाते हैं तो हमें किले पे जाने के लिए एंट्री मिलती है पुणे दरवाजे से। तो ये पुणे दरवाज़ा, वहाँ पे लाइन में आपको 3 दरवाज़ा है। तो पहला पुणे दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद एक दूसरा दरवाज़ा आएगा, उसके बाद एक तीसरा दरवाज़ा आएगा। इसे 3 दरवाजे आपको लाइन में मिलेंगे। तीसरे दरवाजे से अंदर आते ही हमने यहाँ से राइट टर्न लिया। एक किला पहले आदिल शाह के पास था, तो 1647 में दादोजी कोंडदेव जी के मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने इसे स्वराज में शामिल किया। बट बाद में 1649 में शिवाजी महाराज ने शाहजी महाराज को छुड़ाने के लिए इस किले को वापस से आदिल शाह को सौंप दिया एंड बाद में वापस इसको स्वराज में शामिल किया। परंतु बाद में जब पुरंदर का तय हुआ, उस तय के टाइम पे जो 23 किले मुगलों को दिए थे, उस 23 किलों में ये भी किला था जो मुगलों को दिया गया था, कुंडाना, जिसको अब हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं। तो इस किले के ऊपर मुगलों ने एक किलेदार भेजा था जिसका नाम था उदयभान राठौड़, जो इस किले की पूरी जो जिम्मेदारी थी उसके ऊपर थी। तो यहाँ से ऊपर चलते ही हमें एक तोप दिखाई देगी, एक बड़ी सी तोप है। तो चलो, यहाँ पे लोकमान्य टिलक अक्सर आया करते थे। यहीं पे गांधी जी और लोकमान्य टिलक जी की भेंट भी हुई थी और यहीं पे बैठ के उन्होंने चर्चा की थी। तो आगे चलते हैं राजाराम महाराज के समाधि के यहाँ पे। छत्रपति राजाराम महाराज, जिनकी काफ़ी कम उम्र में, हालांकि 30 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके ही पश्चात ये समाधि उनके पत्नी ने बांधी थी। तो देखते समाधि के तीनों साइड ऐसा पानी है।
किले पे बहुत जगह पे आपको ऐसी गुफाएं देखने को मिलेगी। इसे कलावंतिन का बुरुज कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली सैनिक खड़े रह के पहरा देते थे, पूरा एरिया पे वो नज़र रखते थे कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो इसलिए बुरुज रहते थे। तो हर एक किले के आजू बाजू में आपको ऐसे बुरुज दिखाई देंगे। उसके बाद अभी हम आगे अभी चलते हैं। ये है तानाजी कड़ा, जिसे द्रोणागिरी कड़ा भी कहा जाता है। ये पूरा 90 डिग्री के एंगल में, तो हम सब ने कहानी सुनी है और हिस्ट्री हमें सबको पता है, जैसे कि जब कुंडाने पे हमला करना ये तय हुआ, तो उसके बाद तानाजी मालुसरे 500 सैनिकों के साथ किले पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने दो टुकड़ी में वो बट गए, उनके साथ कुछ सैनिक लेके वो इस तानाजी कड़े से, द्रोणागिरी कड़े से ऊपर चढ़ने के लिए चले गए, और बाकी सैनिकों को अपने भाई के साथ कल्याण दरवाजे के पास भेजा। हालांकि ये प्लान ऐसा था क्योंकि इस कड़े के यहाँ पे जो ओवरऑल सैनिक थे वो कम रहते थे, और बाकी जगह पे जो सैनिक थे वो ज़्यादा रहते थे, बिकॉज यहाँ से किसी को भी चढ़ना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, तो इसलिए ये जगह चुनी। और यहाँ से तानाजी मालुसरे अपने सैनिकों के साथ ऊपर आए, और कुछ लोगों ने, शिलांग मामा जी ने नीचे जाके कल्याण दरवाज़ा ओपन किया, और वहाँ से तानाजी मालुसरे के छोटे भाई सूर्या जी बाकी को सैनिकों के साथ अंदर आए, और फिर एक घनघोर युद्ध हुआ जिसमें दोनों साइड के लोग मारे गए, ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए। लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे जी की ढाल टूट गई, उन्होंने शेला निकाल के हाथ को बांधा और उसका ढाल जैसा यूज किया। ऐसे लड़ते लड़ते उन्होंने काफ़ी सैनिकों को मारा, उदयभान राठौर को भी काफ़ी जख्मी किया। तानाजी मालुसरे एक लड़वैया योद्धा थे, पर पीछे से वार होने के कारण उनको इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। ये सब देखने के बाद जो मराठा सैनिक थे, तानाजी मालुसरे जैसे ही धारा तिरती पड़े तो बाकी के सैनिक भागने लगे, तो उनके भाई सूर्या जी ने जाके जो इस तानाजी कड़े के ऊपर जो बांधे हुए दोर थे वो दोर काट दिए, और सैनिकों को बता दिया कि अभी मैंने दोर काटे हैं, तो या तो फिर लड़ के मरो या फिर यहाँ से कूद के मरो। वो देखते ही सैनिक वापस मुड़े और वापस से लड़ने लगे, और लड़ाई मराठों ने जीती। इस लड़ाई में उदयभान राठौर, जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, इस किले का किलेदार था, वो भी मारा गया था। अभी हम चल रहे कल्याण दरवाजा की तरफ। ये नीचे जो दिख रहा है कल्याण दरवाजा है, यही वो कल्याण दरवाजा है जहाँ से तानाजी मालुसरे जी के भाई सूर्या जी मालुसरे अंदर आए थे। यही मेन मोमेंट था उस लड़ाई का, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा वो खोल नहीं पाते थे तो लड़ाई का जो रिजल्ट होता था वो कुछ अलग ही रहता था, क्योंकि तानाजी मालुसरे तो कुछ सैनिकों के साथ अंदर आए थे, जो प्लान था उसके हिसाब से ये कल्याण दरवाज़ा खोलना था, तो यहाँ से ही बाकी के सैनिक अंदर आए थे। जब शिवाजी महाराज को ये बात पता चली कि तानाजी मालुसरे धारातीर्थी पड़ गए, तो शिवाजी महाराज के शब्द थे, गढ़ आला पण सिंह गेला, म्हणजे गढ़ जीता बट जो सिंह था उसको खो दिया, इसलिए शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रख दिया सिंहगढ़। ये इसको कहते हैं देव टाके, यहाँ का पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम चलते हैं तानाजी मालुसरे जी के समाधि की तरफ।
सिद्धानेश्वर मंदिर। यादवों के कुल देवत भगवान शंकर जी का यह मंदिर है। यह मंदिर यादवकालीन है। अब हम चलते हैं तोपखाना की तरफ। यहाँ पे बारूद का कोठार करता था। ये जो पत्थर की इमारत दिख रही है, यहाँ पे युद्ध की सामग्री रखी जाती थी। बाहर आते हुए राइट साइड में ये जगह है। यहाँ पे घोड़े बांधने के लिए ये जगह यूज की जाती थी। अंदर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।